दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। जनसंख्या कानून के मुद्दे पर बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन में वैचारिक मतभेद। ईंट के भट्टे में छिपाकर रखी थी शराब, पटना पुलिस ने ढूंढ निकाला। दरभंगा में भयंकर सड़क हादसे में 2 की मौत और कई जख्मी। दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल तक वाहन सहित जा सकेंगे जरूरतमंद। गौरा बोराम में ठनका गिरने से महिला की मौत। दरभंगा में काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई 413 सीटें। महिला डॉक्टर ने नौकरी से निकाला तो कंपाउंडर ने लिया बदला, जबरन मांग में सिंदूर डालकर फोटो की वायरल। नीतीश सरकार की बड़ी कार्रवाई, 2 जिलों के एसपी समेत 5 अफसरों को हटाया। इस बार नहीं हो सकेगी फर्जी वोटिंग, वोटर्स की हाजिरी के लिए लगेगी बायोमेट्रिक मशीन। अब खबर विस्तार से। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। बिहार पुलिस सपोर्ट्स कोटे से सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑफलाइन ही आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र अभ्यर्थी वेबसाइट biharpolice.bih.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 106 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें 85 पद कांस्टेबल के लिए हैं और 21 सब इंस्पेक्टर के हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हो चुकी है। जनसंख्या कानून के मुद्दे पर बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन में वैचारिक मतभेद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के पक्ष में नहीं होने का बयान और उनकी सहयोगी भाजपा के इस तरह के कठोर उपायों के समर्थन में आने के बाद यहां सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर का वैचारिक मतभेद एक बार फिर से धरातल पर आ गया है। नीतीश ने सोमवार को इस बाबत पूछे जाने पर कहा था, हम कानून के पक्ष में नहीं है, अलग अलग राज्यों के लोगों की अपनी सोच है, वे अपने ढंग से जो चाहे करें। ईंट के भट्टे में छिपाकर रखी थी शराब, पटना पुलिस ने ढूंढ निकाला। जिले के विक्रम थाने की पुलिस ने नगर गांव के बथार में एक ईंट भट्टा में छिपाकर रखी गई 933 बोतल शराब जब्त कर ली है। ग्रामीणों की माने तो लोगों को इल्म भी नहीं था कि ईंट भट्टे में इतनी बड़ी मात्रा में शराब मिलेगी। विक्रम थाने के SI गिरेंदर उपाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर के ईंट भट्टे में शराब को कारोबारियों ने छिपाकर जमीन में गाड़ रखा है। मिली सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष ऋतुराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से शराब की बोतलें बरामद हुई। दरभंगा में भयंकर सड़क हादसे में 2 की मौत और कई जख्मी। दरभंगा के बहादुरपुर इलाके में बुधवार की सुबह एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चाय दुकानदार को उड़ाते हुए 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर भी लोगों ने अपने स्तर से बचाव कार्य शुरू किया और घटना की जानकारी नजदीक के लहरियासराय थाने को भी दी। दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल तक वाहन सहित जा सकेंगे जरूरतमंद। दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल तक अब जरूरतमंद यात्री वाहन से जा सकेंगे। बीमार, बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं आदि को वाहन सहित टर्मिनल तक जाने की अनुमति दी गई है। इस पर मंगलवार से अमल भी शुरू किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जरूरतमंद यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया है। अब इस तरह की यात्रियों को मेन रोड से टर्मिनल तक की 200 मीटर की दूरी पैदल तय करने से छुटकारा मिल जाएगी। बता दें कि लंबे समय से यात्री इसकी मांग कर रहे थे। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। गौरा बोराम में ठनका गिरने से महिला की मौत। गौरा बोराम प्रखंड के आधारपुर गांव में एक महिला की मौत मंगलवार को ठनका गिरने से हो गई। घटना तब हुई जब वह अपने खेत में धान रोप रही थी। रोपनी के दौरान ही मेघ गर्जन के साथ वज्रपात से महिला जख्मी होकर बेहोश हो गई। वहीं कुछ ही दूरी पर दूसरे खेत में धान रोपनी कर रही कुछ महिला की नजर जख्मी महिला पर पड़ी। महिलाओं ने जख्मी को वहां से उठाकर धनश्यामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरभंगा में काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई 413 सीटें। पंचायत शिक्षकों के 1360 पदों के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 12 जुलाई को जिले के 63 केंद्रों पर हुई। इसमें जिले की 215 पंचायत नियोजन इकाइयों को शामिल होना था, जिसमें 209 इकाइयां ही शामिल हो सकी। जिले के कुल 18 प्रखंडों की काउंसलिंग को लेकर चिन्हित 215 पंचायतों में 6 पंचायतों में काउंसलिंग पूर्व में ही स्थगित हो चुकी थी। 12 जुलाई को 209 पंचायतों में काउंसलिंग हुई। DPO स्थापना एवं जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार
कुल 1360 रिक्तियों के विरुद्ध 947 अभ्यर्थियों का चयन काउंसलिंग के बाद हुआ। शेष रिक्तियों की संख्या 413 रही। महिला डॉक्टर ने नौकरी से निकाला तो कंपाउंडर ने लिया बदला, जबरन मांग में सिंदूर डालकर फोटो की वायरल। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक कंपाउंडर ने जबरन महिला डॉक्टर की मांग में न केवल जबरन सिंदूर डाला बल्कि इसका वीडियो भी बना लिया। उसने इस घटना की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जो वायरल हो रही है। डॉक्टर ने इस बाबत थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। नीतीश सरकार की बड़ी कार्रवाई, 2 जिलों के SP समेत 5 अफसरों को हटाया। बिहार में अवैध खनन के खेल में नीतीश सरकार ने कार्रवाई की है। अवैध खनन के खेल में पुलिस से लेकर प्रशासन के अधिकारियों को मिली भगत के चलते भोजपुर और औरंगाबाद के SP समेत 5 अफसरों को हटा दिया गया है। 2 जिलों के SP को बिहार पुलिस मुख्यालय बुलाया गया, वहीं 1 SDO और 2 जिला परिवहन पदाधिकारियों को भी हटाया गया है। सभी अधिकारियों के हटाए जाने की अधिसूचना कर दी जारी। इस बार नहीं हो सकेगी फर्जी वोटिंग, वोटर्स की हाजिरी के लिए लगेगी बायोमेट्रिक मशीन। बिहार में पंचायत और ग्राम कचहरियों के लगभग 2.5 लाख पदों पर चुनाव करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। इस बार बोगस यानी फर्जी वोटिंग करने वाले की खैर नहीं होगी। आयोग चुनाव में पहली बार EVM का प्रयोग करने के साथ साथ कई तरह के नए प्रयोगों को महत्वपूर्ण रूप देने में लगा हुआ है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।